एयर कोमोडोर प्रशांत दीक्षित जुड़ रहे हैं जो कि पूर्व बॉमर नेविगेटर हैं। सर बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। हम जैसे राफेल के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं और आम लोग भी एक एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि राफेल आएगा, कैसा होगा, क्या कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे बहुत सरल शब्दों में समझना चाहूंगी एक एक चीज राफेल से जुड़ी हुई। अगर हम जेनरेशंस की बात करते हैं विमानों में और हम कहते हैं कि राफेल 4.5 जेनरेशन का विमान है, इसका मतलब क्या होता है, एक आम आदमी के लिए क्या मतलब होता है, अभी के विमानों से कितना बेहतर? श्वेता, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इस तरह की जनरेशन की कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन सामरिक रूप से एक इस जनरेशन को एक रिश्ता दिया गया है और वो ये है कि जिन जहाजों में विजिबिलिटी ऑब्स्क्योर हो जाती है उनको हम पांच जनरेशन कहते हैं। इसीलिए चूंकि राफेल में ये सुविधा नहीं है तो कहा जा रहा है कि ये 4.5 जनरेशन है, बट इसका कुछ अर्थ नहीं होता मॉडर्न एयर वॉरफेयर में। टेरिफिक प्लेटफॉर्म है, सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं, इसमें मीटियोर मिसाइल है जो कि 150 से 200 किलोमीटर आसानी से हवा में मार सकती बिना देखे हुए, और स्कैल्प वो वेपन सिस्टम है जो कि 300 किलोमीटर जमीन में किसी टारगेट को बिना देखे हुए मार सकता है, और हम ऊपर से हैमर लेके आ रहे हैं क्योंकि स्पाइस लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसके अलावा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जमीन में बैठे बैठे कॉम्बैट पायलट्स पूरी तैयारी करके जहाज में ले जा सकते हैं और उसको प्लग इन कर सकते हैं। मॉडर्न प्लेटफॉर्म है। और मैं बताऊं जो एक खास बात जो आपके चैनल से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, फ्रांसीसियों से हमारा पुराना रिश्ता है। इसके पहले मिराज 2000 होता था, उसके पहले हम उनके मिस्टियर जहाज उड़ाते थे, उसके पहले हम उनके तूफानी जहाज उड़ाते थे जिनका फ्रेंच नाम ओरेगॉन था, उनका एलिजे जो था हमारी नेवी यूज करती थी। यही नहीं, स्पेस प्रोग्राम में हमारा फ्रांसीसी सरकारों से कई सालों का रिश्ता है। तो जो ये बात आपकी चैनल से मैं आवश्यक कहूँगा कि एक सामरिक दोस्ती है और उस सामरिक दोस्ती को फ्रांसीसी सरकार खूब तरीके से निभा रही है, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो जहाज आ रहे हैं इसके अलावा जो 32 जहाज आने हैं वो जल्दी से भेज दिए जाएंगे, जिसमें हमारी एयरफोर्स उन पर अपने पायलट्स को पूरी तरीके से तैयार कर सके। लेकिन इस वक्त खास बात यह है कि हम चीनी फौजों के साथ बॉर्डर में जूझ रहे हैं और ये वेपन सिस्टम ज़रूर इसमें थोड़ा सा बदलाव ला सकता है। हमारे पास दूसरे भी वेपन सिस्टम्स हैं, वो भी इफेक्टिव हैं, लेकिन राफेल आने से दूर मार सकते हैं। और जैसा कि आपने बालाकोट में देखा, हमने स्पाइस बॉम्ब को यूज़ किया जो कि मिराज 2000 में बिल्कुल एडजस्टेड है, और हमने अपने बॉर्डर से 4-5 किलोमीटर घुस के उनके वहाँ गोली दाग दी और उनके टारगेट पे एक्यूरेटली मिल गई। इसी तरह जो हैमर वेपन सिस्टम आया है इसका प्रिसिशन बहुत सुपर्ब है, सुनने में यह आ रहा है कि 4-5 मीटर्स की एक्यूरेसी से मार सकता है, और इतना बड़ा अगर विस्फोटक 4 से 5 मीटर तक मार सकता है तो वो उसी टारगेट को नेस्तनाबूद कर देगा, लेकिन आसपास के लोगों को जो कोलेटरल डैमेज है वो कम हो जाएगा। मॉडर्न वॉरफेयर में एक्यूरेसी सबसे अहमियत रखती है, उसके बाद है लैक ऑफ कोलेटरल डैमेज, और उसके बाद है प्रिसिशन। प्रिसिशन तो मैं कह चुका हूँ, लेकिन कितनी दूर आप मार रहे हैं और इतनी दूर मार रहे हैं अपने आप को एनिमी के जहाजों से बिना एक्सपोज किए, तो ये नई एयर वॉरफेयर की नई सभ्यता है, और राफेल आने से उस सभ्यता के हम निकट आ गए हैं, हम अपने जहाज भी बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।